हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो सुबह सुबह की हमारी चाय बन गई है, ये देखिएगा गर्मा गर्म। तो आज रेड वाली चाय पी रहे हैं नींबू के साथ। यहाँ पे देखिए, तो किन किन को रेड वाली चाय अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। और आज मैं जो है ना स्पेशली रेड वाली चाय बना कर पीऊँ, क्योंकि रात में ही दूध हमारे घर पे ख़त्म हो गया था। और सुबह में जो है ना दूध थोड़ा लेट से आता है टाइम से, मतलब चाय पीने का तो दिल सुबह से हो जाता है ना, तो इसलिए बिना चाय की हमारी सुबह नहीं होती है। तो चलो आज मैंने रेड वाली ही चाय बना कर पी रही हूँ। और यहाँ पे हमारे देखिए बच्चे हो गए थे तैयार, तो इसकी छुट्टी थी आज। और हमारी छोटी सी लड़की की जो है, हमारी पोशू की, तो आज स्कूल जाएगी ये। और यहाँ पे ये रेडी हो गई थी, नाश्ता इसने कर रखा है और लंच मैंने फटाफट से बनाकर दे दिया था इनको। और हमारा यहाँ देखिए सुबह का पूजा पाठ हो गया था। तो जब बच्चे हमारे स्कूल चले जाते हैं तभी मैं आगे का काम बढ़ाती हूँ। तो जो स्कूल का पहले हमारा रूटीन होता है, मैं पहले उसको फॉलो करते हुए सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर नहा धो के पूजा घर में आ गए थे, क्योंकि नवरात्रा का टाइम चल रहा था और आज जो है सातवीं पूजा है और दिन है सोमवार का, 7 अक्टूबर का समय है। जैसे कि हमारी वीडियो थोड़ी लेट जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा समय में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा टाइम में मैं काम कर रही थी, लेकिन डेट मुझे अच्छे से याद रहता है, तो वही मैं शेयर कर रही थी। तो हमारे पूजा होने के बाद फिर भाभी भी आ गई थी, तो फिर दोनों ने मिलकर आरती किया। और यहाँ पे सभी को ये देखिएगा कुमकुम लगा दिए थे। और भोग में मैंने यहाँ पे देखिए मिश्री का प्रसाद लगाया था, बादाम और मिश्री का प्रसाद, और साथ में तुलसी मैंने भोग में लगाई थी। और दोस्तों अभी हम पूजा पाठ से जैसे निर्वित हो गए हैं और मैं आ गई हूँ अपने यहाँ पे लल्ला को तैयार करने के लिए। तो इसको नहा धो देते हैं, क्योंकि जब तक मैं पूजा पाठ करके ख़त्म करती हूँ अपना काम, तो ये भी सो के उठ जाता है। तो उतना सुबह सुबह आजकल मैं इसको नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि अभी का मौसम जो है ना, कभी थोड़ा सा ठंड वाला है और कभी गर्म वाली है। तो थोड़ा सा अच्छे से जब धूप निकल आती है ना, तब मैं इसे नहला धुला देती हूँ। एक इसकी आदत ये भी है कि बिना नहाए धोए ये कुछ भी सुबह का खाना नहीं खाएगा, तो इसलिए इसको सबसे पहले मैं नहला देती हूँ। और अभी जो है ना, ये दशहरा से ही थोड़े थोड़े ठंड होने शुरू हो गए हैं हमारे घर के साइड, ये देखिएगा। तो यहाँ पे हम इसको कपड़े डाल दिए हैं और आज यहाँ बाल से इसको मैंने नहलाया है, बालों में कंघी भी कर देंगे। और ये काम सारे अपने अच्छे से मुझे करवा लेता है, कभी कभी नखरे करता है पर ये अच्छे से करा लेता है। लेकिन इसे एक फ़ोन की भी आदत लग गई है और इसे बिना फ़ोन दिखाए कोई काम नहीं निकाल सकते हैं। तो एक साइड से इसे देखिए, नित्या हमारी छोटी सी बिटिया रानी ने ये लगा दिया है फ़ोन में, तो इसके बालों में अब लगा देंगे हम कंघी। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का बलून यहाँ पे लेके आया था भाई ने, और इसको मैंने इस तरीके से, ये देखिएगा, एक भरी पैकेट थी और ये जो है ना लंबी वाली थी, गोल वाली नहीं थी। तो इस तरीके से इसको लंबे में यहाँ पे मैंने हवा डालकर इसे फुला लिया था, उसके बाद इसे शेप दे दिया था।
तो अभी यहाँ मैं हर्षित को जैसे दे रही हूँ ना, तो इसको डर सा लग रहा है। अभी ये बलून से बहुत डरता है, क्योंकि वो धमाका हो जाने के बाद जो है ना, ये हर चीज़ से डर जाता है। तो अभी ले नहीं रहा था, जैसे थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, सब कोई खेलना शुरू करेगा, तब ये भी उसको देख के खेलना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये देखिएगा, पंप वाला था जिसको गुब्बारे को इस तरीके से हवा भरी जाती है ना, तो उस तरीके से। और आज बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट से कटहल निकाल लेते हैं। और बहुत दिन के बाद यहाँ पे ये देखिएगा, कटहल आई है। और अभी मार्केट में जो है ना, कटहल आना शुरू हो गया है। और अब क्या होता है ना, अब तो सीजन से पहले ही बहुत सारी सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाती, तो कटहल की सब्ज़ी अभी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ख़ास तौर पे क्या है ना, अभी मतलब दशहरा का टाइम है, तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है ना। तो चलिए आप जो मैं आपको बताती हूँ कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी कैसे आप घर पे टेस्टी बना सकते हो, वो भी मैं प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। कटहल को काटना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज ही है, कहिए तो। ये चाकू और ये छुरी वगैरह से नहीं कटने वाली होती है। अगर आप इसको बॉईल कर लेते हैं तो ये इजीली कट जाता है। इसके ऊपर वाले ये छिलके जो है ना, आप उतारना आसान हो जाता है। अगर आप इसे कच्चे में काटना चाहते हैं ना, तो थोड़ी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे मैंने आलता पालता मारा है, और यहाँ पे मैंने ये देखिएगा इस तरीके का हमारे साइड में कटिंग वाला आता है, जिसको हम लोग हंसुआ बोलते हैं। और अब हम इससे काट लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सरसों तेल हाथ में लगाया और इसको कट कर लिया इस तरीके से पीसेस में। तो सारे पीसेस अब हमें प्रेशर कुकर में डाल देना है। उसके ऊपर मैंने आलू को भी पीसेस में कट करके डाल दिए हैं। और यहाँ पे लगाएंगे प्रेशर कुकर में 2 सीटी नमक, साथ में मैंने डाले हैं ताकि ये अच्छे से हमारे कटहल जो है पक जाए। और यहाँ पे 2 सीटी लग जाने के बाद इसे हम निकाल लिए हैं। और अब जाके हम इसमें, यहाँ प्रेशर कुकर मैंने दूसरा लिया है, और इसमें सरसों का तेल लेंगे। और यहाँ पर हम तड़का लगाएंगे जीरा का। तो तड़का आप जीरा का लगा लीजिए, साथ में तेजपात, हींग, जो भी है इसमें आप लगा लीजिए। 2 हरी मिर्च डालेंगे खड़े से, जो कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो सबसे मेन हमारा तड़का ही होता है। और सारे मसाले मैंने इसमें क्वांटिटी में ले लिए थे, जैसे जो हमारे घरेलू मसाले होते हैं ना, बिल्कुल वही लिए हैं। जीरा है, धनिया है, काली मिर्च और लाल मिर्च मैंने बहुत कम मात्रा में यूज़ किया है, ये देखिएगा। और साथ में हल्दी और नमक ले लेंगे। ध्यान रखिएगा कि नमक आपने पहले अगर ऐड किया है तो इसमें थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिएगा, हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। 2 सीटी के बाद हमने प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया। आलू कितनी अच्छी से उबल चुकी है, और नीचे से हमारे कटहल हैं तो उसको भी हम निकाल लेंगे। और एक पानी में मैंने इसको वॉश भी कर लिया, क्योंकि कटहल का पानी जो होता है ना नीचे से, वो थोड़े रेड वाले होते हैं, तो उस पानी को हम साथ में निकाल देंगे। और एक पानी से मैंने धो लिया है। और यहाँ पे हमारे जब तक मसाले पकेंगे, तब तक मैं कटहल को इधर से ये देखिएगा धो के रख लिया है। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाना बेहद आसान है, और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लहसुन और प्याज को इस्तेमाल नहीं किया है।
चाहे तो आप बहुत सारे दिनों तक भी यूज़ कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। तो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ सारी सब्जियाँ। और ये जो है ना, ये देखिएगा, तो हरी धनिया जो है ना, मैं इस तरीके से डब्बे में रखती हूँ। डब्बे में रखने से क्या होता है ना, हरी धनिया आपकी सूखेगी नहीं, या ठंड से जो होती है ना फ्रिज में, तो वो गल जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, या फिर स्टील के कंटेनर में रखें तो और भी अच्छा है। और यहाँ पे हमारे मसालों के साथ सब्जियाँ भून रही हैं, साथ में मैंने टमाटर भी डाल दिए थे सारे खड़े खड़े। आपको एक ही साथ डालना है, इसमें कोई मतलब विशेष टाइम लेके काम नहीं करना है। और सब्जियाँ इस तरीके से चला लेंगे, और यकीन मानिए इस तरीके का सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर आप चपाती पे खाइए, चावल पे खाइए। और दोस्तों, शाम के करीबन अभी जो है ना 3 साढ़े 3 के बीच का टाइम है, और मैं आ गई थी यहाँ पे मार्केट, क्योंकि आज हो गई थी सात पूजा और कल जागरण का दिन था। तो मुझे लेने थे खुद के लिए चूड़ियाँ, और साथ में लाह वाली जो लहठी होती है ना, वो मुझे लेना है। तो लाह की लहठी जो पहन कर है, हमें डलिया को भरना होता है। पूजा के सारे काम लाह वाले से ही हमें पहन के करना होता है, क्योंकि कच्ची जो चूड़ियाँ होती है ना, कांच की जो, वो पहन के भी आप पूजा में बैठ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर लाह की लहठी से ही अपने पूजा को करते हैं। और साथ में जागरण के लिए भी चूड़ियाँ और लहठियाँ लेनी थी, तो बस एक ही साथ दुकान में आ गए हैं ख़रीदारी करने के लिए। और अब जाके मैं घर जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो वीडियो की एंडिंग मैं यहीं कर रही हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।